मजा आ गया सिल्क. तुमने जो उसकी प्राइवेट पार्टी की पब्लिकली बजाई है ना, अब तो नायला जिंदगी भर अपनी बर्थडे पार्टी तक नहीं बनाएगी. सिल्क एक बार ठान लेना तो ठप्पा लगा देती है. सूर्या को देखा, उनका मुंह तो मैनहोल की तरह खुल गया था. पर तुम्हें बुरा नहीं लगा ना कि मैंने तुम्हें सबके सामने किस किया? बस दिल में आया और कर दिया. दिल भले ही लेफ्ट में होता है लेकिन उसके फैसले हमेशा राइट होते हैं. अरे वाह राइटर साहब, आप तो तुम सो जाओ अब. कल सुबह मुझे विजयन को कहानी सुनानी है और तुम्हारी भी तो शूटिंग है ना. अभी तो दो लोगों को जला कर आए हैं और तुम बुझाने की बात कर रहे हो. अब और रुका तो यहां आग लग जाएगी. तो लगने दो. तू है मेरी फैंटेसी. बॉर्डर पे खड़े रह के गाना नहीं गाते. इश्क़ियाओ, गोली पिस्टल से बाहर और विलेन की आत्मा शरीर से बाहर और फिर फिन द एंड, ऑडियंस थिएटर से बाहर. ये कैसा द एंड है? कोई एक्शन सीक्वेंस तो हुआ ही नहीं मेरा. अरे तलवारें टकरानी चाहिए, पहले कमीज फटे फिर बदन कटे खून निकले तब आएगा मजा. तलवारें डालो क्लाइमैक्स में, तलवारें. सर हीरो तो पुलिस वाला है, उसके पास तलवार कहां से आएगी? He has a point. Point है. पुश्तैनी हो सकती है बाप दादा के जमाने की. लेकिन सर हीरो तो अनाथ है. बोरिंग. हीरो अनाथ होता था 60s में, 70s में. We're in 80s now. उसे एक फैमिली दो, एक बहन दो, उसे इज्जत दो और फिर लूट लो. बहन की लुटी हुई इज्जत तलवार की धार पर होनी चाहिए, तब आएगा मजा क्लाइमैक्स का. क्यों विजय? अरे सर ऐसा कैसे सोच लेते हैं आप? यू आर जीनियस सर, यू आर जीनियस. इट्स अ कर्स विजयन, इट्स अ कर्स. क्यों रामा, क्या लगता है तुम्हें? एक वर्ड में बोलूं, सुपर हिट. सर तहलका मच जाएगा तहलका. सिल्क आदमी और घोड़े में फर्क ही नहीं समझी. घोड़ा फॉर्म में आ जाए तो रेस जीत सकता है, आदमी फॉर्म में आ जाए तो वो टाइम की तरह भागता है, फिर वो ना रुकता है ना वापस आता है.